हम तो दारू पीते नहीं है, कम से कम पेगासस को तो पिला देंगे। इधर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें क्यों करता, उल्टा पैदा हुआ था क्या? यहाँ पे बताने किस बात की झगड़ा बहस हो रही है, चिल्लाता क्यों रे, इलेक्शन में खड़ा कर। हाय हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू RWC राइड विद चितू। सो जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि लास्ट व्लॉग अगर आप सबने देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि मेरा शिफ्ट टाइम जो है ऑफिस का वो चेंज हो सकती है, लाइक 1 to 10, लाइक आफ्टरनून 1 और रात को 10 तक, बट ऐसा हुआ नहीं। बट एक और शिफ्ट टाइम मिला है जो वो भी बहुत सही है, व्लॉग तो बहुत आसानी से कर पाऊँगा उस टाइम से भी, बस वन आवर बैक है बस, और कुछ नहीं। लाइक आफ्टरनून 12 to 9 PM, सो 12 to 9, ये शिफ्ट जो है 12 to 9, ये भी बहुत सही है, आई कैन मैनेज विद दिस। सो मुझे एक अच्छा टाइम मिल जाएगा यू नो डेली व्लॉग करने के लिए, और जैसे कि मैंने कहा था मैं डेली व्लॉग के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा, एंड डेली ज़रूर मैं कुछ ना कुछ व्लॉग्स यू नो वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा, चाहे वो व्लॉग्स हो या शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो सकती है, तो वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सब कर रहा हूँ मैं, ताकि यू नो लाइक मेरी भी पैशन जो है वो बनी रहे, और साथ ही आप सबको भी मैं यू नो एंटरटेन करते रहूँ मैं अपने व्लॉग से। ओके, पेट्रोल बहुत कम है,
बट फिलहाल मुझे यहाँ पे नहीं परवाह नहीं है, बिकॉज़ आप देख सकते हो कितनी लंबी ट्रैफिक है यहाँ पे, जाम है, पता नहीं यहाँ का यू नो रोज़ का है यार, ये होता रहता है। ओ माय गॉश, देखो यार कितना लंबा जाम है, कहाँ कहाँ से घुसकर जाना पड़ रहा है भाई साहब। माय गुडनेस यार, आज मैं ऑफिस समय पे पहुंच पाऊंगा या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट समहाउ मुझे जाना तो है जल्दी भाई। ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आज, यू नो बिकॉज मैं ये सेटअप सब रेडी कर रहा था, तो उस वजह से यू नो 10-15 मिनट मैं डिले हो गया हूँ। आज थोड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी, और ऊपर से यार गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, फ्यूल भरवानी है, मेरी पेगासस को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सॉरी मेरे भाई, मेरे पेगासस, मेरी यार, मेरी जान, अभी तेरे को खाना दूंगा, जूस पिलाऊंगा, ठीक है। अपनी पेगासस को कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक, हम तो दारू पीते नहीं है, कम से कम पेगासस को तो पिला देंगे। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। Oh fuck, अभी से ही चालू हो गई तू पेगासस, तेरा नाटक बंद पड़ गई, ऐसे मत कर, बेइज्जती होती है मेरी, मत कर ऐसे। चलो अभी पिला रहा हूँ मैं। मेरे बाबा को भूख लगी है, जल्दी दारू पिला दे इसको। दीदी इस तरफ आने के लिए बोला और मैं आ गया, यहाँ पहुँच गया। ओ भाई तेरे बाबा ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा। यहाँ पे पता नहीं किस बात की झगड़ा बहस हो रही है। फोन पे कर दूंगा मैं, ये चालू। यूनो मैं कैश लेके बिल्कुल नहीं घूमता भाई, कैश वो मुझे उससे दिक्कत होती है, मतलब पॉकेट में, एक तो मैं ये जीन्स पहनता और उसमें यू नो कैश रखकर घूमना वगैरह, यार मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। ये सही है बहुत, यू नो पहले के ज़माने में लोग सिर्फ कैश भरकर ले जाना पॉकेट में सही नहीं उनको लगता था, तो इसलिए उनके लिए वॉलेट निकला, सही है, वॉलेट निकला और तो वॉलेट में रख के जाते हैं, जिससे उन्हें लगता है वॉलेट में पैसा उनका सेफ होगा। और अब की जनरेशन देखो, ना वॉलेट ना कैश पॉकेट में, सीधा फ़ोन होगा तो बस काम ख़त्म, क्योंकि फ़ोन के फ़ोन पे या ये UPI वगैरह होती है, फ़ोन पे वॉलेट या फिर कुछ होते हैं, उस वॉलेट के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं, UPI के भी कुछ वॉलेट्स आते हैं, तो बस वही काफ़ी है,
आजकल वही चलती है बहुत, यूपीआई हो फ़ोन में बस पैसा ही पैसा ना कोई कैश की झंझट और ना वॉलेट की सेपरेट अमाउंट वॉलेट, यूपीएस बनी ही इसीलिए है, आसान कर देती है काम। अबे यार मैं कहाँ जाके मोरू, इतना ट्रैफिक क्यों है आज भाई, सैटरडे है। यू नो लाइक थ्री और फोर डेज बैक समथिंग, हाँ नहीं बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3-4 days back नहीं एक्चुअली लास्ट वीक, इन अ सेंस लास्ट संडे फैमिली हम सब मॉल गए थे, सो अनएक्सपेक्टेडली हम मतलब बस ऐसे घूमने निकले थे बिकॉज संडे यू नो मुझे वो ऑफ मिल गया था ऑफिस से, यूजुअली मुझे संडे ऑफ नहीं मिलती है बट लास्ट संडे मुझे ऑफ मिल गई थी, तो इट वॉज लक एंड सो फैमिली भी घर में सब कह रहे थे, पापा मम्मी यू नो सिस एंड ऑल दे वर लाइक मुश्किल से चलो ये संडे तुझे मिली है, पता नहीं फिर कब कौन सी संडे तुझे छुट्टी मिल जाए, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैं हो गया राजी, चलो ठीक है कोई ना, अगर मैं मना कर देता तो पूरी फैमिली की उन्हों मूड बिगड़ जाती, होती है ना कि ऑफिस में अगर टाइम दे रहे हो तो फैमिली को भी टाइम ज़रूर देना चाहिए भाई। एक्चुअली जब भी मुझे ऑफ मिलती है ना तो आई डोंट प्रिफर गोइंग आउट समवेयर, और मैं ऐसे सोचता हूँ चलो एक दिन ऑफ मिला है आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, आराम से सोता हूँ और देर से उठता हूँ, बट लास्ट संडे मुझे ऐसा नहीं करना था बिकॉज मुझे फैमिली का मूड नहीं बिगाड़ना था, तो मुश्किल से एक संडे मुझे ऑफ मिली थी, तो सोचा चलो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं फैमिली के साथ, तो इसीलिए हम लोग मॉल गए थे, पूरी फैमिली मॉल गए थे हम लोग, और इट वाज ऑल अनएक्सपेक्टेड अनप्लान्ड। सो हमने मूवी देखी सलमान खान सर की, ये वाली मूवी जो अभी अभी निकला है, किसी का भाई किसी की जान। सो मतलब मैं मूवियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, आई मीन लाइक आई डोंट वॉच, बट मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, मैं खुद एक्टिंग बहुत करता हूँ, बट मैंने कभी यू नो खान्स की मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई है स्पेशली, सॉरी अगर कोई सलमान खान का या शाहरुख खान का फ़ैन हो, आई एम सॉरी बट ये फैक्ट है, मैं ज़्यादा कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, बट हम लोग गए थे मॉल तो सोचा चलो वैसे मूवी लगी है तो देख ही लेते हैं कैसी है, तो यू नो घर पे मॉम को भी पसंद है सलमान खान की मूवी, मॉम देखी है तो सोचा मॉम के लिए चले जाते हैं मम्मा के लिए, तो हम गए और मूवी सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसमें से जो एक गाना है वो मेरी फेवरेट हो गई, मैं आज भी उस गाने को सुन रहा हूँ, जब से मैं मूवी से बाहर निकला हूँ उस मॉल से मैं लगातार उस गाना को सुन रहा हूँ डाउनलोड करके, एकदम इतना अच्छा लगा है मुझे, और गाना का नाम है जी रहे थे हम, यस सिंगर है सलमान खान सर, खुद गाए हैं गाना, मुझे बहुत सही लगा, एक अजीब सी फीलिंग, इसका मतलब ये नहीं है गाइस शायद इस बंदे का, तुम लोग सोच रहे होगे शायद इस बंदे का कोई यू नो लाइफ पार्टनर होगी या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ वगैरह वगैरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा शायद ये बंदे को इस गाने पे इंटरेस्ट आ गया होगा, ऐसे सोच रहे होंगे आप, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम सिंगल हैं, मैं सिंगल हूँ, सिंगल एकदम सिंगल, तो बीइंग सिंगल मुझे वो गाना इतना पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, यू नो बार बार एवरी नाउ एंड देन आई एम लिसनिंग टू इट, मुझे पता नहीं क्यों इतना पसंद आया बट हो जाती है कभी कभी। इट्स रियली नाइस सॉन्ग, सिंगल होकर भी ऐसे गाने का सुनना ही मज़ा ही कुछ अलग है ना, सिंगल होकर भी ऐसे गाने सुनने का मज़ा ही कुछ और है, अलग है, सही है, अच्छा लगता है।
इमेजिनेशन, हम सिंगल लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। चलो अगर जब भी कोई फ्यूचर लाइफ पार्टनर आती है तो हमारी शायद क्या पता लाइफ हमारी भी ऐसी हो जैसे मूवी में दिखाते हैं। हम ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी पहले से ही जिसके पास अपनी अपनी लाइफ पार्टनर है उनको तो एक्सपीरियंस हो गई, उनको पता है क्या होता होगा रियल लाइफ में, हमें तो नहीं पता। हमारी तो है नहीं तो हमें नहीं पता भाई। ओ गाइस बारिश हो रही है, ये क्या है? ए भगवान, मैंने आपसे दुआ मांगा था आज मैं ऑफिस में लेट ना हो जाऊं, आपने तो बरसात ही करा दी, ये क्या बात हुई? अब समझ नहीं आ रहा आप आशीर्वाद दे रहे हो या श्राप, क्या समझूं मैं? मजाक भोलेनाथ जी, मजाक कर रहा हूँ, नाराज मत होइएगा, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, पता है ना आपको। शंभो शिव शंभो यार, पेगासस बहुत ज्यादा धूल धूल हो रखी है। यू नो बाइक्स की ये एक खूबसूरत चीज़ होती है, लाइक अगर सॉरी अगर कोई यू नो कमिटेड रिलेशनशिप टाइप्स कोई सब्सक्राइबर है मेरा और ये बातें सुन रहा हूँ मेरी सॉरी, बट फैक्ट है ये कि अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो अगर तुम उस रिलेशनशिप को ठीक से यू नो मेंटेन नहीं कर रहे हो तो यू नो बहुत सारे झगड़े वगैरह या एक दूसरे को बहुत कुछ होता है ना, एक दूसरे से झगड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो के फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा बात कर लेना, ऐसे कुछ होता रहता है, लड़ाई झगड़ा ये सब कॉमन है एज फार एज आई नो। ये फंस गया सी। बट इन आर केस लाइक सिंगल जो बाइकर्स होते हैं उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, मतलब तुम अपना बाइक साफ मत करो या उसको पेट्रोल मत दो या कुछ भी ना करो, उसको साफ ना रखो, दे डोंट कंप्लेन राइट। कंप्लेन नहीं करते हैं भाई, शांत एकदम शांत होते हैं, बस टाइम आने पर जब अगर फ्यूल ख़त्म होती है तो चालू नहीं होती। ये तो गर्लफ्रेंड से भी ज़िद्दी वाली बात हो गई, वो तो हाँ वो अलग बात है। अगर गर्लफ्रेंड थोड़ी सी यू नो नाराज़ हो जाए, थोड़ा कुछ पटाखे वटाखे यू नो अच्छे से बात करके फिर मना भी लेते हैं, पर इसको कैसे मना सकते हैं भाई अगर इसकी फ्यूल ख़त्म हो गई तो, मनाने से थोड़ी ना ये चालू होगी। <laughs>